Assalamu alaikum students, welcome to Pulse Academy with lecture number 37, second chapter baba problems sir jo hai so continue karna si that is problem number baba 8 page number 51 okay Two tugboats are towing a ship. Each exerts a force of 6,000 newton. Yani, ba force hai. Ekdo force hai 6,000 newton. Baba, bio force ba 6,000 newton. Okay. And the angle between the two ropes is 60 degree. Angle between the two ropes is equal to 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. Yani resultant force. Ship te resultant force jo, yani resultant force F. Unhe jo magnitude chahiye kitro hua. Resultant force jo miqdar kitro hua, okay? Hane ne problem ji noyat baba diso hi ikdo diso jini mala जिके बराबर आजाद समुद्र के किनारे ते दायन तपोए उनन के इकड़ा नंडा नंडियू बेडियू जिनके टग बोट्स जबा वो उनन के छिके बेंदियों ओके याने हेड किस्म दा ई कुड़ो फर्स के हो ई कुड़ो शिप पावडो ते इने के इकड़ो टग बोट्स ये टग बोट्स अन जिके इने के ये छिके बेंदियों इकड़ी टग बोट आई है भी ये टग बोट आया इबा बोट्स अन टग बोट्स इन हेवी शिप के जिके से छिकी रही इन रोप में फोर्स है 6,000 न्यूटन इन रोप में भी फोर्स है इज इक्वल टू 6,000 न्यूटन बई रोप एक बे एंगल कितने अठाइन पाया एंगल 60 डिग्री है एंगल कितनी बाबा 60 डिग्री है थेटा इज इक्वल 60 डिग्री बिटवीन द टू रोप्स चे तो हाँ बिनी जो गडियल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितो उन जो मैग्नीट्यूड तो पूछे थे केतरो आयो ताने कोसाइन ला एप्लीकेबल आए थे कोसाइन ला में छाए सो द ब वेक्टर बाइन फोर्स इस सूरत में आई बिनी दरमियान एंगल बाए द बिनी जे एडिशन जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड असा कोसाइन ला इस्तेमाल कर सकू था ताने बेसिकली या नोयता प्रॉब्लम जी त एकडो शिप आए उन के ब फोर्स 6,000 न्यूटन बिनी रोप के जरिए फोर्सेस अन टक बोट्स छिके रही वन रसन जरिए ए बिनी रोप के दरमियान एंगल 60 डिग्री आ तबई ये फोर्स जे केन से लगाइन के हुई है द रिजल्टेंट फोर्स मजमूई तौर नेट फोर्स के थ्रू माना रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू ओके ताणी या ए प्रॉब्लम जी नोयत तासा बाबा कोसाइन ला अप्लाई कनासी सॉल्यूशन solution using cosine law yani cosine law mein chahe so since a plus b is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos of theta okay ye cosine law hai ani ये तो जनरल फॉर्मूला है इसलिए कहना है एफ वन प्लस एफ टू एफ वन एफ टू टू एफ वन एफ टू एंगल 60 डिग्री देयरफॉर एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू यानी रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस दैट इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ 60 डिग्री ओके आर मायने के बाबा हिम लिख सकंदो आर रिजल्टेंट फोर्स जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल यानी बिनी जो रिजल्टेंट फोर्स एफ ही आए दैट इज इक्वल टू बाबा इज 6000 न्यूटन्स ठीक है प्लस 6000 न्यूटन्स प्लस 2 इनटू 6000 इनटू 6000 इनटू cos 60 यानी 1/2 तो ये 2 2 हमें चाहती है कैंसिल कर छोड़ो बाकी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट
बाबा इतिया वनी 36 एंड 60 प्लस अगेन 36 एंड 60 चटक चटरी टे बोड़ू ठीक है डबल थी वो इज इक्वल यानी प्लस ये भी वही छटी ए 60s वैल्यू थे वही दैट इज इक्वल टू बाबा ऐसो हाँ यानी 2f1 f2.5 टू टू में कैंसिल थिया बाकी तक बचन पे ऐसो यानी 6 एक चक बी चक 12 टे चक 18 मत बचो एक टे टे छह टे नव नव एक दह बाकी ती 0 6 0 थे ओके तो ये टोटल तुम हाँ इन जो अस रूट कढ़ूँ यानी तुम इन रूट कढ़ो इन जो तुम रूट था कढ़ो तो 1 0 8 6 टाइम 0 4 5 6 ओके दैट इज इक्वल टू इन जो यानी रूट ऑफ 1 0 8 6 दैट इज इक्वल टू बाबा ही थिया 10,392 दैट इज इक्वल 10,392 न्यूटन यो तुम आंसर आयो माना जो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 10,392 आंसर चेक कर दैट्स ठीक है 10,392 आंसर आयो ओके तो यो तुम आंसर है तो ये बई रसा मजमू तरह केतरो जोर लगा रहा है 10,392 पर जर इन केस फर्ज करो तो कोलिनियरिटी जर बई फोर्स एक ही डायरेक्शन में होजन हाँ जीरो एंगल होजन हाँ तो बई फोर्स सिंपली जोड़ क्यों हाँ तो आंसर अचे हाँ 12,000 यो कोलिनियरिटी आखिर में सीखा तो बेक्टर जर सागे डायरेक्शन में होजन तो बहरहाल आंसर ये आयो टे यानी 10,392 न्यूटन्स ओके तो यह प्रैक्टिस तीन प्रॉब्लम की होने खे हलो नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9 ये प्रॉब्लम नंबर 9 ना प्रॉब्लम 9 पेज 51 अगेन द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर गिविन एंड ही पोजिशन वेक्टर्स आर वन जो वैल्यू है बाबा 2 आए प्लस 3 जे माइनस के बो पोजिशन वेक्टर जैसी कीमत आए 4 आए -3j +2k ओके द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर गिवन आर वन पोजिशन वेक्टर है पोजिशन वेक्टर खबर है तक आर आर से जाहिर कबो पोजिशन जो वेक्टर जो वैल्यू ही है बे जो ही है ये पोजिशन वेक्टर्स बिन पॉइंट जहाँ एक पॉइंट पी है क्यू आ डिटरमाइन पी क्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड चे तो पी क्यू पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू वाट वरी पी क्यू जो मैग्नीट्यूड बुलाओ इज इक्वल टू वाट यानी ब कंडीशन तो असा सॉल्व कराए ऐसो इनके फिगर में ऐसा पा हाँ ब पॉइंट हाँ फिगर ही है ऐसो ये तट कोऑर्डिनेट सिस्टम आ एकड़ी एक्स एक्सिस है एकड़ी वाई एक्सिस ठीक है एकड़ी पॉइंट पी आ एकड़ी पॉइंट क्यू है तो ये पॉइंट पी ओरिजन का केतरो परे आ यो आर वन से जाहिर था कहीं यो आर वन जो वैल्यू गिवन आ पॉइंट ये भी क्यू पॉइंट आ या केतरो परे आ केतरी पोजिशन ते आ यो आर टू पोजिशन वेक्टर आ ने जो उन्हें जो वैल्यू गिवन आ चे तो हाने पी क्यू मालूम कयो माना ये पी क्यू लाइन जेका है या केतरी आ ठीक है इन जो वरी चे तो मैग्नीट्यूड बुलाओ तो ये पी क्यू
यो इन जो रिजल्टेंट वेक्टर आई उन जो वरी मिकदार केतरो या इन लाइन की लेंथ केतरी थी जे तो या लो ठीक है तो या ता जी और सो या फिगर इस्तेमाल थी इन में याद रखे छियो तो हाने दिसो फिगर में जे को r1 सो 8 थला केसा इन pq सा दिसो तो ही रिजल्टेंट है माना r1 जो हेड हते आ आई PQ जो ही टेला PQ वेक्टर है इन जो टेला ही हेड जो टेल मुताबिक इन फिगर ये ना सॉल्यूशन जो हुआ इन फिगर बाबा इन फिगर R1 प्लस PQ आने R1 सा PQ हेड आ इन जो रिजल्टेंट वेक्टर है इज इक्वल टू R2 ओके असा के PQ तो कपे देयरफॉर PQ इज इक्वल R2 माइनस ट्रिपी विंडो R1 आणि r2 r1 ता माइनस केव त ता के छा मिलन बाबा ता के pq तो मिले त pq इज इक्वल r2 जो वैल्यू छाए ता वट 4i माइनस 3j आई प्लस 2k ओके माइनस r1 जो वैल्यू बाबा 2i प्लस 3j आई माइनस k तरसो इते देयरफॉर pq वेक्टर इज इक्वल pq PQ is equal to 4i minus 3j plus 2k minus 2i minus 3j plus k. Okay? The PQ that is equal to 4i minus 2i gigawa minus 3j minus 3j plus 2k plus k. The PQ that is equal to 4i minus 2i bagi 2i bacha baba minus 6j I plus 3k the yo PQ thyo vani yani sorry PQ yani ye jo vector yo resultant vector aayo ye ikdo answer aayo ikdo answer aayo 2i minus 6j plus 3k answer so yo aayo that is 2i minus 6j plus 3k okay ani vari ne jo magnitude baba ine jo line it resultant vector thyo ani je ja aakhir mein three component an ikdo x mein y mein minus 6 z mein plus 3 ani ine ji length kitri a ya length lenia tani now magnitude of resultant vector pq solution b baba solution b pq jo magnitude is equal to under root of formula x square y square z square x jo value y jo value z jo value baba 2 square plus minus 6 square plus 3 square pq that is equal to under root baba 4 plus 36 plus 9 the pq is equal to that is equal to दिसो बाबा 9 6 15 इत्यावनि 15 4 19 19 मते 1 4 यो ते वनि 49 दैट इज इक्वल टू 7 ते इता जो आंसर ते वनि ओके याने 57 याने 7 आंसर ते वनि त एकडो आंसर आयो याने PQ यो आयो 2i minus 6j plus 3k इकड़ो आंसर यो आ एंड जो मैग्नीट्यूड वनी बिटो केत्रो इन जो मैग्नीट्यूड बिटो 7 ओके तो यो ता जो यो प्रॉब्लम हो तो इनन प्रॉब्लम ते बाबा ता जो यो ट्राई कर जो होल्ड कर जो यो लेक्चर इस नहीं काफी है बल्कि लेक्चर में ता अगर हुंदा सी तेस तैला